नमस्कार, किचन शेफ मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज हम नेनुआ की सूप बनाएंगे, जिसको कि हम तुरई भी बोलते हैं। ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होगा। तो चलिए दोस्तों, आज की रेसिपी है झींगा का सूप। इसके लिए हम दो झींगा लिए हैं। आप देख रहे हैं, इसे कुछ लोग तुरई भी कहते हैं, कुछ लोग नेनुआ भी कहते हैं। ये थोड़ी मोटी हो गई है, तो इसकी सब्जियां अब हम नहीं बनाएंगे और इसके हम सूप बनाएंगे। ये बड़ी ही हेल्दी और टेस्टी सूप बनेगी। तो सबसे पहले हम इसे अच्छी तरह से छिलके उतार लेंगे, हल्की मोटी मोटी छिलका इसका हम उतार लेंगे इस तरह से, और फिर इसे हम छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, सारी तुरई के हम छिलके उतार लिए हैं और इस तरह से इसे आगे और पीछे से काट दिए हैं। अब इसके हम टुकड़े कर लेते हैं। इस तरह से हमें टुकड़े कर लेना है और इसे धो देना है। तो देखिए दोस्तों, ये नेनुआ को हम अच्छी तरह से कट कर लिए हैं। 3-4 लहसुन की कली है, इसको हम अच्छे से छील लिए हैं। एक हरी मिर्च है, इसको काट लिए हैं। अब हम कुकर ले लिए हैं, कुकर में सारे नेनुओं को डाल देंगे। ये लहसुन, ये मिर्ची सभी को डाल के आधा चम्मच नमक भी डाल देंगे। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग हम लेंगे, बाद में इसे हम टेस्ट कर लेंगे। और 1 कप पानी लेंगे। इसमें ऐसे ही बहुत पानी होता है, 2-3 सीटी आने तक हम इसे पकाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इसमें 3 सीटी आ गया है। अब हम कुकर को करेंगे बंद, गैस बंद कर देते हैं, कुकर को ठंडी होने देते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको हम कुकर से निकाल लिए हैं और इसको हम ठंडा करके, ये मिक्सी का जार है, इसमें हम इन सारी चीजों को अच्छी तरह से पीस लेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसको हम अच्छी तरह से पीस कर ले आए हैं और इस छलनी से इसको हम छान लेंगे। आपके पास जो भी छलनी है उससे आप छान सकते हैं। का टेस्ट बढ़ाने के लिए कुछ चीज हम इसमें ऐड करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी सूप रेडी है लगभग। अब हम इसमें थोड़ा सा नींबू ऐड करेंगे, आप अपने स्वाद अनुसार ऐड कर सकते हैं। नमक भी टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर ले अगर लगे तो। और ये चाट मसाला है, थोड़े से चाट मसाला डाल देते हैं, इससे टेस्ट अच्छा लगेगा। ये हेल्दी बहुत होता है ये सूप, ये बच्चे बड़े सभी को बहुत स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। और इसे हम थोड़ी सी पुदीना के पत्ती से गार्निश कर देते हैं। अब ये सूप मेरा रेडी है। अगर आप भी इस ट्रिक से अपने घरों में सूप बनाएं, और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।